मथुरा के बाद अब आगरा के रेलवे स्टेशनों की सूरत और सीरत बदलने वाली है। मथुरा के बाद अब आगरा के रेलवे स्टेशनों पर सौंदर्यीकरण का काम शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे विभाग के सीनियर DCM आशुतोष पांडे ने दी है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट की तर्ज पर अब आगरा के रेलवे स्टेशनों पर भी लाइटिंग की जाएगी। सौंदर्यीकरण जो हो रहा है वो जो सॉफ्ट डेवलपमेंट ऑफ स्टेशन का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मूलभूत सुविधाएँ उसमें एक स्टेशन कुछ थोड़ा सुंदर लगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने मथुरा स्टेशन पे किया है काम, दिखा होगा आप लोगों ने, एक नंबर एंट्री जो है काफ़ी सुंदर कर देगी। इसके साथ एक नंबर प्लेटफॉर्म किया गया है और बाकी प्लेटफॉर्म से भी काम चल रहे हैं। वहाँ से सारे कोपिंग चेंज हो रही है और प्लेटफॉर्म्स की सरफेस चेंज हो रही है। इसके साथ ही आगरा कैंट स्टेशन पे भी ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि लाइटनिंग जो अभी है रात में जो चलती है किसी ओकेजन पे, उस पर एयरपोर्ट स्टाइल की लाइटनिंग लगाई जाएगी। जो ओकेजन पे आप कलर चेंज कर सकते हैं पूरे स्टेशन का। इसके अलावा जो हमारा कॉरिडोर मन पोर्टिको है, पोर्टिको के सामने एक ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। जो फ्लैग लगा है उसके चारों तरफ फाउंटेन्स वगैरह लगेंगे और एक ग्रीन पैच डेवलप करेंगे। बाकी जो वेटिंग हॉल्स हमारे हैं, वेटिंग हॉल्स का भी फेज वाइज मैनर में एक एक करके हम लोग अंदर से उसको और ज़्यादा सुंदर बनाएंगे। उसमें लाइटिंग वगैरह अगर थोड़ी डिम है तो उसको और तेज करेंगे। अंदर की फ्लोरिंग है, टाइल्स है। इसके अलावा जो भी तरह के आपको देखते हैं कि ग्रेनाइट्स वगैरह नए लगेंगे उसमें और काफ़ी सारे काम होंगे, मतलब कि सुंदरीकरण नहीं होगा और सुविधाएं भी हम बढ़ाएंगे उसमें करने के लिए।